अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और मैं आ गई हूँ फिर से ज़रदस्त व्लॉग लेकर तो यहाँ पे जो बर्थडे का लेफ्ट ओवर खाना था हम लोग वो खा रहे थे एक बचा था थोड़ा सा था तो मैं इसका दिखाई थी लेयर्स मैंने ब्लू रेड ग्रीन हर कलर की थी और ये थोड़ा सा पास्ता बचा था और राइस थे और कबाब थे और इसके अलावा जो है दो तीन बजे हम लोगों ने खाना खाया था उसके बाद हम लोग शाम में निकल गए थे आजकल तो मंगलवार आपको पता छः बजे हो रही है उसके बाद ये मैं मॉल दिखा रही हूँ ये बड़ा ख़ूबसूरत कोई मॉल वहाँ पर बना है नॉर्थ की साइड पर नॉर्थ अहम साइड पर हैदरी की साइड पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बहुत ज़्यादा बड़ा है और इन्होंने काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी आई थिंक क्रिसमस की वजह से या फिर हैप्पी न्यू ईयर की वजह से क्योंकि नया मॉल बना है तो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ये मॉल कभी जाना हुआ तो मैं इसका भी ब्लॉग बनाऊँगी और क्योंकि कराची में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं और एक्सप्लोर नहीं करते हम लोग वो अलग बातें लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और ये हैदरी की साइड पे है आपका जो डॉलमैन है उससे थोड़ा सा आगे जाके तो उसके बाद फिर हम लोग डॉलमैन आ गए डॉलमैन भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ था हो सकता है कि क्रिसमस की वजह से डेकोरेट हुआ हुआ है या तो फिर न्यू ईयर की वजह से लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था और यहाँ पर कोई अंदर आपका फंक्शन भी हो रहा था हो रहा था हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे तो वो वाइंड हो गया था उस वक्त तक और मे भी कायद आजम की ट्वेंटी फाइव और दिसंबर की वजह से हो रहा था लेकिन हम लोग सैटरडे को गए थे और उसके बाद हम लोग चले गए थे प्ले लैंड ऊपर और मैंने ये वीडियो बनाई ये बड़े खूबसूरत पूरा खाड़ी ने ऊपर का एक पोशन ले लिया है डॉनमेंट में और इतना कोई ख़ूबसूरत उसने डेकोरेट किया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यहाँ पे खाड़ी के जो ड्रेसेस थे वो मैं देख रही थी बड़े ही खूबसूरत आए हुए थे उसके बाद हम लोग आ गए थे सिन बाद और सिन बाद मैं अब कॉइंस आने लगे पहले कार्ड होता था तो अच्छी बात है अब तो कॉइंस आने लगे तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया बच्चों ने इंजॉय किया हम लोगों ने तो नहीं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया लेकिन यहाँ के जो ये सारे काफ़ी जो उसके यहाँ के ये थे प्ले एरिया के गेम्स ये नहीं चल रहे थे तो मुझे इतना मज़े का नहीं लगा डॉलमैन का जो प्ले एरिया है इससे अच्छा था छोटू मोटू जो था चेस जेल चौरंगी वाले पे इतने अच्छे और बिल्कुल ही नए तरह के वहाँ पे जो आपके सारे वो लगे हुए थे गेम्स बहुत अच्छे थे ये हम लोग ट्राई कर रहे थे अनाबिया के बाबा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ हमारे सारे जो कोइंस थे वो वेस्ट हो गए थे और ये नहीं काम कर रहा था तो इन लोगों को थोड़ा सा ना देखना चाहिए थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए चीज़ों को तो ये बिल्कुल भी नहीं हुआ था हालांकि तीन कोइन्स लेते थे और वापस भी नहीं आए थे तो हमारा वेस्ट ऑफ़ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम हुआ और इसके बाद दोनों बच्चे रोल कोस्टर राइट पे बैठे हुए थे और उसके बाद अनाबिया ने इसको प्लेन uh, वेन था ये छोटा सा अंडा दे रहा था और इसमें छोटे छोटे टॉयज निकले प्लास्टिक के उसके अलावा ये वाला गेम मैं भी खेल रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया लेकिन बच्चों हाँ जी तो, तो उसके बाद हम लोग डिनर करने के लिए आ गए थे दिल पसंद हमें जाना था केव थी लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ से जाना फजूल ही समझा काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम लोग फिर इधर आ गए थे और यहाँ पे सबसे बड़े मज़ेदार की बात यहाँ पे हलवा पूरी रात के टाइम मिल रही थी तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना डिनर इन्जॉय किया उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो लाइक करें डू सब्सक्राइब